स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ ये बताता है कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, देखो स्ट्रोक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, तो अगर आप किसी भी लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, अब ईटा ज्यादा है तो वो थोड़ा थिक लिक्विड होगा, ईटा अगर कम है तो पतला लिक्विड होगा, आप एक स्फेयर को इसमें घेरते हैं और स्फेयर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये लिक्विड इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स बोलते हैं या विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स एक ही बात है। तो जो लिक्विड इसके ऊपर विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स लॉ, उसका फॉर्मूला होगा 6 pi eta rv। ये सुना हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यही तो फॉर्मूला करवाया था, ईटा ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला ही फॉर्मूला, इसमें कुछ करना नहीं है, क्लियर है। पर अगर आप ये कहो सर मैंने तो पेन डाल दिया था पानी में, इसके फोर्स निकाल लो, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्वेश्चन किस पे आएगा, स्फेयर पे ही आएगा। तो स्टोक्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्फेरिकल बॉडी। तो कहता है कि एक स्फेरिकल बॉडी को अगर आप लिक्विड में डालोगे तो वो फ्रिक्शन कितनी लगाएगा या विस्कस फोर्स कितनी लगाएगा, 6 pi eta। लिक्विड का अगर ईटा ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी, रेडियस बड़ा होगा बड़ा स्फेयर होगा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी, क्लियर है। और इसका प्रूफ, प्रूफ में डेरिवेशन आ जाती है स्कूल में, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ सबसे आसान है, यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या करना है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू ईटा आर और वी रेज टू पावर ए बी सी, तो कॉन्स्टेंट लगा दिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ईटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, रेडियस का एल और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो याद करो, करते थे ना इक्वेशन, तो ए बी सी मजे की बात है, सबको पता है मन मन मनाना है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा कॉन्स्टेंट 6 pi लगा के 6 pi eta rv।